सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। वो परमपिता जिसको आप पाने की इच्छा रखते हैं, मिलने की चाहत रखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत से सवाल जो आप लोग खोजते हैं, पूछते हैं, कुछ लोग सवाल पूछ नहीं पाते, अंदर ही अंदर उठते रहते हैं, फिर दब जाते हैं, फिर उठे, फिर दब गए, लेकिन ना उत्तर मिलता है, ना वो सवाल समाप्त होते हैं और घूमते रहते हैं, एक से दो, दो से चार, वो प्रश्न बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम बस ये समझने के लिए कि हाँ मैंने कुछ खोज की है, प्रश्न डाल देते हैं बिना खोज किए। लेकिन जब आप खोज करोगे, समझने की कोशिश करोगे, ढूंढने का प्रयत्न करोगे, अंदर में उतरने का प्रयास करोगे, कोई भी प्रश्न आपका शेष नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक सब प्रश्न समाप्त नहीं होंगे, जीव को ज्ञान नहीं हो सकता। अनेकों अनेक प्रश्न, सबके अलग अलग सवाल, अलग अलग विचार, अलग अलग बुद्धियाँ, अलग अलग स्थितियाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग सोच और अलग अलग तरीके से साधना, अलग अलग प्रकार के प्रयास, अलग अलग चढ़ाई, तो इस कारण से प्रश्न भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से खोजोगे, सुनोगे, तो आपके जवाब, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिसका कोई जवाब ना हो, चाहे अनुभव से, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार से, प्रश्न का प्रश्न नहीं रहता। जब तक प्रश्न का प्रश्न है, अंदर शांति नहीं हो सकती। कुछ लोग मन रोकने का प्रयास करते हैं, साधना करने का प्रयास करते हैं, उनका मन काबू में नहीं रहता। सबसे बड़ी साधना में जो विघ्न है वो मन ही है, मन ही मित्र जो परले पार लगा दे, मन ही शत्रु एक पल में मरवा दे। तो मन साधना के बीच की ऐसी कड़ी है जिसको हटाया नहीं जा सकता, इसको किसी भी प्रकार से काबू में करना होता है। इसको काबू में करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से साधनाएं की जाती हैं। जैसे भी जो जिस प्रकार से प्रयास करता है, उसी प्रकार से प्रार्थनाएं करके चढ़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी ये मन काबू में नहीं आता। हम लोग चारों तरफ निरीक्षण करते रहते हैं, मन के द्वारा हर जगह निरीक्षण करते रहते हैं बस, लेकिन अपने अंदर में निरीक्षण नहीं कर पाते। संसार का निरीक्षण हम हर पल करते रहते हैं। कहीं भी जाओ आप, किसी ने नया घर बनाया है,
इस घर में ये रूम यहाँ से यहाँ होता तो और अच्छा होता, ये वॉशरूम यहाँ नहीं होता तो वहाँ हो जाता तो और अच्छा होता, रसोई इधर की जगह से उधर बनानी चाहिए थी, ऊपर दो रूम और बनाने चाहिए थे। हम अपनी राय डाल देते हैं, कोई गाड़ी ले कि ये गाड़ी ली है, दूसरा बोलेगा नहीं ये अच्छी कंपनी नहीं है, दूसरी लेनी चाहिए थी, तीसरा बोलेगा नहीं वो भी अच्छी नहीं है और वो तीसरे वाली लेनी चाहिए थी। कहीं भी हम सड़क के ऊपर से गुजर रहे हैं कि ये सड़क टूटी हुई है, ठेकेदार ने काम नहीं किया होगा, ऑफिसर लोग हैं वो क्राइम करते हैं, वो खा गए होंगे, सरकार ऐसी है, इस प्रकार की हम अपनी राय देते रहते हैं बिना मांगे बिना कुछ किए। कहीं किसी स्थान के ऊपर भी गए, चाहे आप यहाँ आए यहाँ भी कहीं भी, ये मन अपनी राय देता रहता है, निरीक्षण करता रहता हर टाइम, किसी भी वस्तु कोई भी चाहे मिट्टी ही क्यों न हो कि यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है वहाँ की अच्छी है, हर पल ये मन निरीक्षण में लगा रहता है। कोई भी पल ऐसा नहीं रहता जब ये निरीक्षण नहीं करता, चाहे वस्त्रों के अंदर कि इस कलर के अच्छे वस्त्र नहीं है, इसमें अगर ये कलर डाल देते तो और अच्छा होता, सफ़ेद रंग के वस्त्र अच्छे लगते हैं, इस रंग के वस्त्र अच्छे नहीं लगते, लाल कलर के वस्त्र अच्छे लगते हैं काले के अच्छे नहीं लगते, इस प्रकार से हर पल ये मन निरीक्षण करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि हम मन के अधीन हैं और मन के अधीन कार्य कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे जो हमें भजन संग्रह करना चाहिए था उससे दूर जा कर के संसार में और फंस रहे हैं, हम अध्यात्म में भी तर्क देने लगते हैं, हम संतों के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम ज्ञान के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गीता के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गो के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गायत्री के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, हम गंगा के ऊपर भी तर्क देने लगते हैं, इस प्रकार से हर जगह निरीक्षण कर करके निरीक्षण कर करके अपने अंदर उन चीज़ों को इतना भर लिया कि हम सब कुछ निरीक्षण कर देते हैं कहीं भी हों। ये हालात प्रत्येक जीव की है, केवल आप लोगों की नहीं, पूरे संसार की, सब देशों की, किसी भी धर्म के अंदर हों, किसी भी पंथ के अंदर हों, किसी भी मजहब के अंदर हों, किसी भी प्रकार से रह रहे हों, चाहे पहाड़ों के अंदर हों चाहे जमीन के ऊपर हों, सबकी यही हालत है मानव की, चाहे स्त्री हो पुरुष हो चाहे कोई भी हो। हम बाहरी निरीक्षण में इतने फंस जाते हैं, हम आत्म निरीक्षण नहीं कर पाते। यही निरीक्षण अगर हम अपने साथ करें तो उसका लाभ का आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितना लाभ होगा। अगर हम अंदर में उतर करके ये निरीक्षण करें, हमने आज किसका भला किया किसका बुरा किया, हमारे मन वचन शरीर से किसी का क्या दुख हुआ, क्या परेशानी पैदा की हमने, कितना दिल दुखाया, किसको गलत रास्ते पर चलाया किसको सही रास्ते पर चलाया, क्या हमने अच्छा किया, क्या गुण ढूंढे, अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, किस प्रकार से मुझे ये कमियां दूर करनी है, कैसे इन दोषों को दूर किया जा सकता है, कैसे किस प्रकार से एक एक कमी को निकाल करके, जिस प्रकार से एक एक धागे से वस्त्र तैयार होता है, वस्त्र ऐसा नहीं कि एकदम से बिछाया और बन गया, एक एक धागे से तैयार होता है, पहले हाथ से खड्डियां चलाई जाती थी, आज मशीनों के द्वारा इतना आधुनिक आ गया है, फिर भी वस्त्र तैयार करने के लिए एक एक धागे का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एक एक दुर्गुण को धागे की तरह से उखाड़ उखाड़ करके फेंक देंगे और सगुणों को गुणों को
धागे की तरह से पिरो करके वस्त्र तैयार कर देंगे तो आप अपने जीवन को बदलता हुआ पाएंगे। और ये जीवन जब आपका बदलाव में आएगा, आपको अंदर में आंतरिक खुशी उत्पन्न होगी। ये दिखावे की मुस्कान, दिखावे की हंसी, दिखावे की खुशी जो आप संसार को दिखाने के लिए, संसार को जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसको छुपाने के लिए ये दिखावे की हंसी हंसते हो, ये गायब हो जाएगी। और जो अंदर में खुशी चल रही है, जो इंटरनली है, वो बाहर निकल करके आने लगेगी। वो आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देने लगेगी। आप ना हंसोगे ना मुस्कराओगे तो भी वो झलक, वो तेज चेहरे के ऊपर निकल करके आएगा, अलग ही दिख जाएगा। चाहे लाखों के अंदर छोड़ दो इस जीव को, अपने आप निखर करके आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। जब हम आत्म निरीक्षण करने लगेंगे, हम मन को देखने लगेंगे, मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किसका अच्छा सोच रहा है, किसका बुरा सोच रहा है, क्या अच्छा है जीवन के लिए, क्या अच्छा है उस लोक के लिए, क्या अच्छा है उस परम तत्व के लिए, जब ये निरीक्षण करने लगेंगे, हमने आज क्या किया, कितनी साधना की, कितना समय लगाया। जिस प्रकार से एक खेलने वाला खिलाड़ी हर रोज़ अभ्यास करता है तो ये जांच परख करता है, आज मैंने आधा घंटा अभ्यास किया, आज मैंने एक घंटा अभ्यास किया, कल डेढ़ घंटा अभ्यास करूँगा, धीरे धीरे आज एक टाइम अभ्यास किया, कल दो टाइम अभ्यास करेंगे। और इसी प्रकार से वो अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। उसी प्रकार से साधना का अभ्यास जब आप बढ़ाते चले जाएंगे, ये मन जो आप बार बार सवाल करते हैं, ये मन नहीं रुकता, मन नहीं रुकता। मन कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो ना रुक सके, लेकिन हम मन को न रोक करके हम चाहते हैं कि सब कुछ मेरे अधीन हो जाए, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, संसार ऐसे चले जैसा मैं चाहूँ, घर गृहस्थी ऐसे चले जैसा मैं चाहूँ, सब कुछ मेरे अनुरूप चले और बहुत ताकतें प्रदान हों। ये जब हम सोचने लगते हैं तो मन अधीन कहाँ करने चले हम, मन को रोकने के लिए कहाँ चले हम, मन से तो हम दूर जा रहे हैं, साधना से तो हम दूर जा रहे हैं, माया की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मन को जिसने रोकना है, मन को जिसको काबू में करना है, जिसको साधना की तरफ बढ़ना है, करोड़ों अरबों लोग इस साधना की शुरुआत में चलते हैं कि अरबों लोगों ने साधना शुरू कर दी। वो लोग, कुछ लोग सोचते हैं परंपरा के अनुसार, जैसे दीपावली के ऊपर पटाखे बजा दिए और कुछ कर दिया, होली के ऊपर रंग गुलाल, और जिन भी धर्मों के जैसे जैसे ये चले हैं, सब के अनुसार अपने अनुसार करते हैं, इसी को साधना मान लेते हैं। हाँ, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, हम उसका नाम रटते हैं। वो लोग पहुँचते नहीं हैं, वो संसार के अंदर ही खो जाते हैं। अरबों लोग पैदा होते हैं, मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग साधना की कोशिश करते हैं। और वो इनके साथ साथ जो चल रहे थे, कभी कभी ये संकल्प पाता है, ये संसार नश्वर है, नाश होने वाला है, मिथ्या है, मिट जाएगा एक न एक दिन। तो इस प्रकार का जब उनके मन में विचार उत्पन्न होता है तो वो सोचते हैं साधना करनी चाहिए। तो कुछ लोग तो यही रह जाते हैं सोच करके कि साधना करनी चाहिए, इसी शब्द के ऊपर अटक करके रह जाते हैं। कुछ लोग जो आगे बढ़ते हैं वो साधना शुरू करते हैं, फिर वो साधना का प्रयास करते हैं। कोई किसी प्रकार से योग साधना करता है, कोई किसी प्रकार से पूजा पाठ करता है, कोई कन्हैया को ले आता है, कोई परिक्रमा करता है, कोई तलाश करता है पुस्तकों के अंदर, कोई वेदों के अंदर खोजता है। तो इस प्रकार से बहुत लोग प्रयास शुरू कर देते हैं।
कुछ लोग तो साल 6 महीने अभ्यास करके रुक जाते हैं, उनमें कुछ लोग और ऊपर उठ करके इन चीज़ों की प्राप्ति कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं। फिर वो लोग तलाश करते हैं गुरु की, और वो उस गुरु की, आचार्य की, पूर्ण गुरु की जो दिशा दिखा सके और वहाँ तक लेके जा सके, प्राप्ति करा सके उस परमात्मा की। फिर वो लोग और ऊपर उठ करके साधना करते हैं, और जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है, आगे का मार्ग दिखने लगता है, मन काबू में होने लगता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। लेकिन ये मन काबू में हुए बिना नहीं हो सकता। बहुत लोग प्रयास करते हैं मन को पकड़ करके बैठ जाएं किसी भी प्रकार से, लेकिन वो मन को न पकड़ करके सांसारिक वस्तुओं को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जब आप साधना में बैठते हो तो संसार की जितना भी आप कर्मकांड करते हो, संसार के अंदर रहते हो, जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, संसार के जितना भी संसार का व्यवहार होता है, जितना भी लेन देन होता है, सब का सब विचारों में चलता रहता है। बहुत से संतों ने उपदेशों के माध्यम से समझाया, बहुत से संतों ने उनको सामने साक्षात करके दिखाया कि तुम्हारे मन में ये विचार चल रहा है, वो विचार चल रहा है, तुम यहाँ नहीं हो। नानक जी ने भी एक को दिखाया कि तुम तो अपने अस्तबल में लगे हुए हो, घोड़ों की चिंता हुई हुई है। और भी बहुत महात्मा थे जिन्होंने ये बताया कि तुम साधना में नहीं थे, आज तुम तो बैलों को, बछड़ों को देख रहे थे, इनका क्या करना है। इस प्रकार से हमारे संतों ने दर्शाया कि आप मन से अगर साधना नहीं कर रहे, केवल शरीर को टिकाए हुए हो, ध्यान को नहीं टिकाए हुए, तो आपकी साधना निरंतर चल नहीं रही है। इस मन को जब आप काबू में कर लोगे, इसको कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, आत्म निरीक्षण का प्रयास होगा, तो समझना आपकी साधना चल रही है। लेकिन हम ये साधना के चक्कर में कम पड़ते हैं, बाहरी कर्मकांडों में ज़्यादा पड़ते हैं। बाहरी कर्मकांडों से मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत लोगों को ये विचार उत्पन्न हुआ, बहुतों ने मेरे से सवाल भी किया कि आपने बोल दिया कृष्ण को प्राप्त करके भी जीवन मुक्त नहीं हो सकते, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कृष्ण को प्राप्त करने के बाद भी जीवन मुक्त इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो उस परम सत्ता में से निकल करके आए हैं, उस ताकत में से निकल करके आए हैं, वो सीमित कलाएं ले करके आए हैं, वो उस पूर्ण परमेश्वर में से निकल करके आए हैं। जब तक कृष्ण हाथ खड़ करके उस पूर्ण परमपिता परमेश्वर तक नहीं ले करके जाएंगे, तब तक आपका जीवन मुक्त नहीं हो सकते। गोलोक तक पहुंच सकते हो, और लोकों तक भी पहुंच सकते हो, अनंत अनंत सुख की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। इस संसार के अंदर बहुत से लोग, कुछ लोग आत्मज्ञानी लिखते हैं, कुछ लोग तत्वज्ञानी लिखते हैं, कुछ लोग ब्रह्मज्ञानी लिखते हैं। इन्हीं शब्दों के अंदर आप तोलते रहते हो, इन शब्दों का अर्थ मालूम नहीं पड़ता कि तत्वज्ञान क्या है, ब्रह्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या चक्कर है। हम ब्रह्मज्ञानी को कभी श्रेष्ठ मानते हैं, कभी तत्वज्ञानी को श्रेष्ठ मानते हैं, आत्मज्ञानी को थोड़ा ये समझते हैं कि नहीं, इसको तो केवल आत्मा का ज्ञान है, ये ब्रह्मज्ञानी लिख रखा है तो ये ब्रह्म का ज्ञान हो गया। जब ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ये ऊंची स्थिति में है, ये और ऊँचे हैं, और बड़े हैं। लेकिन शब्दों का अर्थ न जानते हुए, इस ब्रह्मांड के रहस्य को न जानते हुए, संतों की चाल को न जानते हुए, उनके शब्दों को न पहचानते हुए, मर्म जाने बिना हम सोच विचार में स्वयं वही जो मैंने बोला निरीक्षण में लगे हुए हैं, लेकिन इन शब्दों के रहस्य को बहुत कम लोग जान पाते हैं। जो ज्ञान होता है, जो तत्व ज्ञान होता है, जो बोलते हैं तत्वदर्शी संत के पास होता है, तत्वदर्शी का अर्थ होता है, तत्व ज्ञान का ये अर्थ होता है, मतलब होता है कि जिन्होंने इस संसार के जितने भी तत्व हैं
जितनी भी प्रकृति है, जितना भी आप इन नेत्रों से देख रहे हैं, जितना भी आप दसों इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, सबकी सब वस्तुओं का, तत्वों का ज्ञान हो गया। उन्होंने उनको जान लिया, उसके रहस्य को समझ लिया कि कौन सा तत्व किस वस्तु को पैदा करता है, किस वस्तु को मिटाता है। उसका जिसको रहस्य का पता चल गया उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है इस संसार के अंदर जितना भी वर्णन हुआ है, 21 ब्रह्मांडों का वर्णन हुआ है हमारे संतों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, ऋषि महेश ऋषियों के द्वारा, जितने भी जहाँ भी चढ़ाई की बात हुई 21 ब्रह्मांडों की चढ़ाई का जिक्र आता है। तो जितने 21 ब्रह्मांडों का जो खेल होता है, जिसने ब्रह्मांडों को जान लिया, जिसके ब्रह्मांड का रहस्य जिसके सामने खुल गया, किस ब्रह्मांड का कौन राजा है, कैसी प्रजा है, क्या सुख सुविधाएं हैं, कैसी वहां पर खेल चलता है, किस प्रकार से राज चलता है, क्या उद्देश्य है, कैसे सिस्टम है, हर चीज़ के जिसको जानकारी हो गई, कैसी प्रकृति है, वायु से जीव चलते हैं, भूमि से जीव चलते हैं, सांस से जीव चलते हैं, आकाश से जीव चलते हैं, क्या किस प्रकार से क्या रचनाएं होती हैं, कैसे प्रलय होती है, कितने किस प्रकार से खेल चल रहा है, कितने समय में एक ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, कितने समय में रचना होगी, कब प्रलय होगी, जिसको ये अनुभव हो जाए, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को एक ब्रह्मांड की जानकारी है, किसी को दो ब्रह्मांड की जानकारी है, किसी को 5, 10, 15, 20 अलग अलग स्थितियां हैं, और उसी के अनुसार उनका ज्ञान होता है और उसी के अनुसार उनके रहस्य खुलते हैं, उसी के अनुसार उनको ब्रह्मज्ञानी की उपाधि दी जाती है। उनके पास ये उपाधि होती है, जिनको ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए। तत्व ज्ञानी जरूरी नहीं जीवन मुक्त हो, कोई जरूरी नहीं है कि जीवन मुक्त हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी भी कोई जरूरी नहीं जीवन मुक्त हो जाए। ये इतने बड़े रहस्य की बातें हैं जो समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल होती हैं। समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हजारों वर्षों से हम उन्हीं शब्दों को रट रट करके, पुस्तकों में पढ़ पढ़ करके, और जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें उनसे सुन सुन करके, उनका वर्णन देख देख करके ब्रह्म ज्ञान शब्दों को हम खोल नहीं पाए, और उनको समझना बड़ा कठिन होगा, और ये हृदय स्वीकार नहीं करेगा कि ये सच है या झूठ है। समझाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि रीति रिवाज तोड़ना बड़ा मुश्किल कार्य है, वो सदा सदा से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वो जब तक नहीं टूटेंगे आगे जीव नहीं बढ़ सकता, और जब तक ये आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, जब तक आप हृदय से ये स्वीकार नहीं करोगे तो आगे नहीं जाया जा सकता। तीसरा होता है, तीसरी श्रेणी का, वो होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ होता है आपको अपना ज्ञान हो गया, अपना यानी शरीर का नहीं, अपना यानी आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा क्या तत्व है, क्या रहस्य है, क्या इसके अंदर ताकत है, कैसे जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे प्राप्ति होगी, कैसे इसकी खोज होगी, कैसे और किस प्रकार से इसके ऊपर कार्य हुआ है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, किसी भी रास्ते से हो, कैसे भी हो, उसका कोई जोड़ नहीं हो सकता, और वही जीवन मुक्त होता है जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिसको आत्मा की प्राप्ति हो गई है, और जिसने आत्मा की खोज कर ली है, समय की खोज कर ली है, वही जीव जीवन मुक्त हो सकता है, नहीं तो जीव जीवन मुक्त नहीं हो सकता। कितना भी प्रयास करे, कितने भी हाथ पैर मारे, जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये जो खेल चलता है जिसके कारण से जीवों को भ्रमित किया जाता है, तालियां बजा बजा करके गायन के द्वारा ये दिखाया जाता है, हाँ विश्व वैकुंठ में चले गए, जीवन मुक्त हो जाओगे, ये माया नाश हो जाने वाली है, परमात्मा सत्य है,
सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आंखें बांध दी जाती हैं, जैसे उनको ग्लास चश्मे लगाए जाते हैं उनको संसार वैसा ही दिखाई देने लगता है, उसी रास्ते के ऊपर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। आजकल तो एक और खेल चल रहा है जो पुराने समय में कम था, अब हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ, कुछ लोग वस्त्र धारण करते थे, फिर धीरे धीरे और लोग वस्त्र धारण करने लगे, कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, कोई सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेता है, कोई पीताम्बर धारण कर लेता है, कोई बाघाम्बर धारण कर लेता है, कोई काले वस्त्र धारण कर लेता है, किसी ने अलग ही वस्त्र के कलर के रंग के पहन लिए, कोई हरा धारण कर लेता है। इसी प्रकार से सब धर्मों के अंदर ये खेल चला हुआ है। घर लड़ाई हुई तो बोल दिया मैं नहीं आऊँगा, संन्यास ले लिया, क्या उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? अगर घर कुछ कमाने का मन नहीं हुआ, शरीर मेहनत करने का मन नहीं हुआ, कटोरा उठाया और किसी मस्जिद मंदिर के आगे जा कर के बैठ गया, क्या उस ज्ञान हो जाएगा? स्टेशनों के ऊपर भीड़ लगी रहती है वस्त्र धारण करने वालों की, क्या उससे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? क्या वो ज्ञान की अवस्था है? हम लोग संसारी लोग घबराते रहते हैं, कहीं श्राप ना दे दे, कुछ बोल ना दे, हाथ जोड़ते रहते हैं, जो कुछ दिया जाए ना दिया जाए माफ़ी ज़रूर मांगते रहते हैं, अक्षमा की नहीं कुछ मत बोलो इनको। आप किस दुनिया के अंदर आए हो? आज की जो दुनिया है, हालात संसार के बहुत भयानक हैं, आपकी सोच के से भी दो कदम आगे बढ़ चुके हैं। जिनको हम सिद्ध समझ करके बैठ गए, जिन वस्त्रों को देख करके हम पूजा करने लगे, उसके अंदर जो छुपा हुआ खेल है, उसके अंदर जो ताकतें चल रही हैं, जो आसुरी शक्तियां काम कर रही हैं, हम शराब पिए हुए लोगों के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं वस्त्र डालने के बाद, आप अपने अंदर झांक करके देखिए कितना भयभीत होते हैं ऐसे लोगों से। सामने से ये तक नहीं बोल पाते तुम गलत हो, गलतियां कर रहे हो, इतना भय है, कहीं कुछ कर ना दे, तांत्रिक प्रक्रियाएं ना कर दे, कुछ बोल ना दे, मेरा काम ना रुक जाए, संतान को कुछ ना हो जाए, घर में नुकसान ना हो जाए, इस प्रकार के जो मन के विचार हैं वो पैदा होते हैं और जीव अंदर से घबराने लगता है। ये कितना खतरनाक खेल चला हुआ है। जब आप इसके अंदर घुसोगे, सोचोगे, तब पता चलेगा कि हम किस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, किसको हम प्रणाम कर रहे हैं, किसको हम दान कर रहे हैं, किसकी हम सेवा कर रहे हैं। क्या वो लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं जो जिम्मेवारी से भाग गए? अगर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए अगर भागे हैं तो अनेकों उदाहरण इतिहास के अंदर छुपे हुए पड़े हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, लेकिन वो लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं भागे। कुछ लोग इसलिए भाग जाते हैं, यहाँ मुझे अच्छा भोजन नहीं मिलता, मैं तो जा करके बाबा बन जाऊँगा, महात्मा बन जाऊँगा, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। कुछ लोग वस्त्रों के लिए भाग जाते हैं, मुझे ये कलर बड़ा पसंद है इसलिए मैंने पहन लिया। मैं देखता हूँ लोगों को घूम घूम करके, अनुभव करके देखता हूँ क्या अंदर में चल रहा है, देखता रहता हूँ, वो पहचान नहीं पाते क्योंकि उनको परमात्मा ने दृष्टि नहीं दी और उन्होंने साधना नहीं की, उस परम तत्व की खोज नहीं की, उन्होंने उस परम चेतन को पाया नहीं, अपने को जगाया नहीं, आत्म ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया नहीं, तो वो किस प्रकार से समझ पाएंगे, कैसे खोज पाएंगे? हमारे संत आप लोगों के बीच ही, संसार के बीच ही छुपे रहते हैं, अपने को प्रकट नहीं करते। जो प्रकट कर देता है उसके पीछे भीड़ शुरू हो जाती है, वो प्रकट नहीं करते, प्रकट करते हैं ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कर देते हैं कि अपने आप ही जीव दूर भागने लगते हैं, कोई ऐसी हरकत कर देते हैं सब दूर हो जाते हैं, वो मस्त एकदम से ध्यान के अंदर चले जाते हैं, उनको संसार से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बस साधना के अंदर लगे रहते हैं सिद्ध होने के बाद भी, क्योंकि रीति रिवाज तोड़ना बड़ा मुश्किल कार्य है, वो सदा सदा से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वो जब तक नहीं टूटेंगे आगे जीव नहीं बढ़ सकता, और जब तक ये आगे
का रास्ता नहीं खुलेगा। जब तक आप हृदय से ये स्वीकार नहीं करोगे तो आगे नहीं जाया जा सकता। तीसरा होता है, तीसरी श्रेणी का, वो होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ होता है आपको अपना ज्ञान हो गया, अपना यानी शरीर का नहीं, अपना यानी आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा क्या तत्व है, क्या रहस्य है, क्या इसके अंदर ताकत है, कैसे जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे प्राप्ति होगी, कैसे इसकी खोज होगी, कैसे और किस प्रकार से इसके ऊपर कार्य हुआ है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, किसी भी रास्ते से हो, कैसे भी हो, उसका कोई जोड़ नहीं हो सकता, और वही जीवन मुक्त होता है जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, जिसको आत्मा की प्राप्ति हो गई है, और जिसने आत्मा की खोज कर ली है, स्वयं की खोज कर ली है, वही जीव जीवन मुक्त हो सकता है, नहीं तो जीव जीवन मुक्त नहीं हो सकता। कितना भी प्रयास करे, कितने भी हाथ पैर मारे, जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये जो खेल चलता है जिसके कारण से जीवों को भ्रमित किया जाता है, तालियां बजा बजा करके गायन के द्वारा ये दिखाया जाता है, हाँ विश्व कुंठ में चले गए, जीवन मुक्त हो जाओगे, ये माया नाश हो जाने वाली है, परमात्मा सत्य है, सब लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, आंखें बांध दी जाती हैं, जैसे उनको ग्लास चश्मे लगाए जाते हैं, उनको संसार वैसा ही दिखाई देने लगता है, उसी रास्ते के ऊपर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। आजकल तो एक और खेल चल रहा है जो पुराने समय में कम था, अब हर रोज बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ, कुछ लोग वस्त्र धारण करते थे, फिर धीरे धीरे और लोग वस्त्र धारण करने लगे, कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, कोई सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेता है, कोई पीतांबर धारण कर लेता है, कोई बाघांबर धारण कर लेता है, कोई काले वस्त्र धारण कर लेता है, किसी ने अलग ही वस्त्र के कलर के रंग के पहन लिए, कोई हरा धारण कर लेता है। इसी प्रकार से सब धर्मों के अंदर ये खेल चला हुआ है, घर लड़ाई हुई तो बोल दिया मैं नहीं आऊँगा, संन्यास ले लिया, क्या उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? अगर घर कुछ कमाने का मन नहीं हुआ, शरीर मेहनत करने का मन नहीं हुआ, कटोरा उठाया और किसी मस्जिद मंदिर के आगे जा कर के बैठ गया, क्या उस ज्ञान हो जाएगा? स्टेशनों के ऊपर भीड़ लगी रहती है वस्त्र धारण करने वालों की, क्या उससे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? क्या वो ज्ञान की अवस्था है? हम लोग संसारी लोग घबराते रहते हैं, कहीं शराब ना दे दे, कुछ बोल ना दे, हाथ जोड़ते रहते हैं, जो कुछ दिया जाए ना दिया जाए, माफ़ी ज़रूर मांगते रहते हैं, अक्षमा की नहीं, कुछ मत बोलो इनको। आप किस दुनिया के अंदर आए हो? आज की जो दुनिया है, हालात संसार के बहुत भयानक हैं, आपकी सोच के से भी दो कदम आगे बढ़ चुके हैं। जिनको हम सिद्ध समझ करके बैठ गए, जिन वस्त्रों को देख करके हम पूजा करने लगे, उसके अंदर जो छुपा हुआ खेल है, उसके अंदर जो ताकतें चल रही हैं, जो आसुरी शक्तियां काम कर रही हैं, हम शराब पिए हुए लोगों के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं वस्त्र डालने के बाद, आप अपने अंदर झांक करके देखिए, कितना भयभीत होते हैं ऐसे लोगों से, सामने से ये तक नहीं बोल पाते तुम गलत हो, गलतियां कर रहे हो, इतना भय है, कहीं कुछ कर ना दे, तांत्रिक प्रक्रियाएं ना कर दे, कुछ बोल ना दे, मेरा काम ना रुक जाए, संतान को कुछ ना हो जाए, घर में नुकसान ना हो जाए, इस प्रकार के जो मन के विचार हैं वो पैदा होते हैं और जीव अंदर से घबराने लगता है। ये कितना खतरनाक खेल चला हुआ है। जब आप इसके अंदर घुसोगे, सोचोगे, तब पता चलेगा कि हम किस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, किसको हम प्रणाम कर रहे हैं, किसको हम दान कर रहे हैं, किसकी हम सेवा कर रहे हैं। क्या वो लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं जो जिम्मेवारी से भाग गए? अगर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए अगर भागे हैं तो अनेकों उदाहरण इतिहास के अंदर छुपे पड़े हैं जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, लेकिन वो लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं भागे। कुछ लोग इसलिए भाग जाते हैं, यहाँ मुझे अच्छा भोजन नहीं मिलता, मैं तो
जा करके बाबा बन जाऊंगा, महात्मा बन जाऊंगा, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। कुछ लोग वस्त्रों के लिए भाग जाते हैं, मुझे ये कलर बड़ा पसंद है इसलिए मैंने पहन लिया। मैं देखता हूँ लोगों को घूम घूम करके, अनुभव करके देखता हूँ क्या अंदर में चल रहा है, देखता रहता हूँ। वो पहचान नहीं पाते क्योंकि उनके परमात्मा ने दृष्टि नहीं दी और उन्होंने साधना नहीं की, उस परम तत्व की खोज नहीं की, उन्होंने उस परम चेतन को पाया नहीं, अपने को जगाया नहीं, आत्म ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया नहीं। तो वो किस प्रकार से समझ पाएंगे, कैसे खोज पाएंगे? हमारे संत आप लोगों के बीच ही, संसार के बीच ही छुपे रहते हैं, अपने को प्रकट नहीं करते। जो प्रकट कर देता है उसके पीछे भीड़ शुरू हो जाती है, वो प्रकट नहीं करते। प्रकट करते हैं, ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कर देते हैं कि अपने आप ही जीव दूर भागने लगते हैं। कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, सब दूर हो जाते हैं, वो मस्त एकदम से ध्यान के अंदर चले जाते हैं। उनको संसार से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बस साधना के अंदर लगे रहते हैं। सिद्ध होने के बाद भी जब होश आया, भजन शुरू हो गया। अगर आप भी इसी प्रकार से साधना करोगे, जब भी ये मन का पता चला, साधना शुरू हो गई, नाम को इतना मन के अंदर मौका ही मत दो, हर समय मन के अंदर नाम 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 चलता रहे। सुबह उठते ही नाम, जमीन के ऊपर पैर रखते ही नाम, किसी भी पानी पिया तब, भोजन किया तब, वस्त्र पहने तब, सोए तब, जब हर टाइम नाम को इतना गहरा कर दो, कोई भी किसी भी प्रकार की बाहरी चीज़ें मन के अंदर दूसरी आ ही ना सके, मौका ही ना मिले। जब मौका ही नहीं मिलेगा किसी भी बाहरी तत्व का, तो किस प्रकार से आप इस मन को जैसे चल रहा है ऐसे दिशा ही बदल जाएगी। मैं बहुत बार देखता हूँ, जीव बोलते हैं मन नहीं रुकता। मैं सोचता हूँ मन की क्या औकात है कि मन नहीं रुकता, ये रोकना नहीं चाहते। मैं बोल भी देता हूँ आप मन को रोकना नहीं चाहते, मन की कहाँ इतनी हिम्मत है। आप राजा हो और दास को, गुलाम को कहे कि ये गुलाम मेरे काबू में नहीं आता, तो सब लोग हंसेंगे कि एक राजा के गुलाम काबू में नहीं है, एक राजा के दास काबू में नहीं है, ये कैसा राजा हुआ। उसी प्रकार से आप राजा हो और ये मन गुलाम है, आप आदेश दोगे तो इसको मानना पड़ेगा। लेकिन आप उस स्थिति में, पोजीशन में जाते ही नहीं जहां आप राजा हो, आप वहां तक पहुंचते ही नहीं जहां ये मन गुलाम हो जाए। आप ऐसा सोचते ही नहीं कि ये मन अधीन हो जाए, बस बोलते हो शब्दों से, मुंह से बोल देते हो, ध्यान नहीं लगता। ध्यान आप लगाना ही नहीं चाहते इसलिए नहीं लगता। लेकिन जब आप ध्यान लगाना चाहोगे, कोई बड़ा काम ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इन सांसों को काबू करो। जब आप सांसों को काबू करोगे, कोई नहीं रोक सकता ध्यान लगाने से। आप चाहे अब अनुभव कर लो, चाहे घर जा करके अनुभव कर लेना, जब आप अपनी सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल करके और अंकुश लगा दोगे, बाहर ही रोक दोगे। पहले 5 सेकंड करना, 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाना, जितना भी आप बढ़ा सकते हो, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब 3 से 5 मिनट का समय लगने लगेगा, कुछ भी बड़ी बात नहीं है 3 मिनट इस प्राणायाम के लिए। जब 3 मिनट श्वास बाहर रुकने लगेगा, या अंदर भी रोक सकते हो आप, अगर 3 मिनट बाहर या अंदर रुकने लगेगा श्वास, तो मन हिलाए भी नहीं हिलेगा, क्योंकि मन प्राण के साथ बंधा हुआ है। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से बस मन बोला और काबू में हो गया, साधना करनी पड़ेगी, साधना पड़ेगा इस शरीर को, साधना पड़ेगा जो 72,000 नाड़ियां हैं मणिपुर चक्कर में, नाभि चक्कर में, इनको साधना पड़ेगा। जब तक ये श्वास नाभि चक्कर में नहीं जाएगा, तब तक साध कैसे सधेगा वो चक्कर, किस प्रकार से ये नाड़ियां जो दूषित हो गई हैं, कैसे सधेंगी ये नाड़ियां, और किस प्रकार से उठोगे आप, किस प्रकार से जागोगे आप।
नहीं जाग पाओगे, इस संसार के अंदर भ्रमते रह जाओगे। इसी प्रकार से मूर्तियों को धोते हुए, नहलाते हुए, कुछ पहनाते हुए ऐसे ही संसार के अंदर रमण करते रहोगे, फिर आ जाओगे, फिर चले जाओगे। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि पितरों की साधना का कोई मंत्र बताइए जिससे पितर सिद्ध हो जाए। मैंने कहा पितर तो कोई बड़ी वस्तु ही नहीं है, आप साधना उसकी कीजिए जिसके सब कोई दास है इस ब्रह्मांड के अंदर, उस परम पिता की साधना कीजिए। पितर तो आपके पीछे पीछे घूमेंगे, देवी देवता सिद्धियां रिद्धियां पीछे पीछे घूमेंगी, लेकिन हम छोटा सोचते हैं कि केवल मात्र ये सिद्ध हो जाए और दो चार बातों का हमें पता चल जाए। लेकिन जब हम चढ़ाई शुरू करेंगे, जब ये कुंडलिनी शक्ति जागेगी, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये सिर के जो पीछे का जो भाग है, यहाँ चढ़ेगी तो आपको ये धीरे धीरे चीज़ें अपने आप पता चलने लगेंगी, सामने वाले के संकल्प अपने आप आने लगेंगे। जब आप आज्ञा चक्र से आगे बढ़ोगे, सुषुम्ना आकर के आज्ञा चक्र में समा जाएगी और एक एनर्जी जा करके पीछे यहाँ जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है इसे एक आधा इंच ऊपर जब चढ़ेगी, तब आप यहाँ रीढ़ की हड्डी से चीटियाँ सींच लेंगी, सुन्न हो जाएगा सिर का वो भाग। जब सिर का वो भाग सुन्न हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कभी ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, कभी अपने आप आंखें बंद होने लगेंगी, कभी विचार समाप्त हो जाएंगे, कभी साधना का नहीं पता चलेगा, कभी भोजन का पता नहीं चलेगा, कभी ये नहीं पता चलेगा सुबह है या शाम है, कब बैठा था मैं, कब उठा हूँ, नहीं पता चलेगा। तो साधना शुरू हो जाएगी, चढ़ाई शुरू हो जाएगी। छोटे बच्चे का देखना आप, जब वो पैदा होता है यहाँ से सिर हिलता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, आपने देख तो लिया लेकिन समझाने उस रहस्य को। जब उसका छोटा सा सिर होता है, जब वो धड़कता है, तो इसी प्रकार से आपके अंदर में वो स्थिर हो गया है, उसको जो एनर्जी थी वो नहीं मिल रही। उस समय के ऊपर वो बच्चा विचार शून्य था, उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, न उसके अंदर कोई विकार था, न उसके अंदर कोई वासना थी, न कोई विचार था, न कोई अपना पराया था, न संसार की इच्छाएं थी, न कोई जरूरतें थी। कोई दूध पिला देता पी लेता, नहीं पिलाता तो चिल्लाता, कुछ भी इच्छा नहीं थी उनकी। तो बिना इच्छाओं के, इच्छा के रहित वो हो गए थे, और इच्छा के रहित होते ही वो चल रहा था। जो जो इच्छाएं बढ़ती गई वो धीरे धीरे दबता गया, धीरे धीरे कमजोर होता गया, और वो इस प्रकार से ऊपर जम गया कि अंदर हिलाए हुए भी हिल नहीं रहा, न कोई क्रिया हो रही, न कोई प्रतिक्रिया हो रही। जब आप साधना करोगे, शक्ति यहाँ पहुँचेगी, आपको पता चलेगा, दर्द का एहसास होगा, चक्कर आने लगेंगे, जम जाएगा सब कुछ, शांत हो जाएगा कुछ, लेकिन हम उस ओर न बढ़ करके सांसारिक पदार्थों के अंदर, सांसारिक विषय वासनाओं के अंदर, छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस अनंत अनंत लाभ को भूल जाते हैं जिसको पाने के लिए हम इस संसार के अंदर आए हैं, जिसको पाए बिना जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जीव उस परमात्मा को प्राप्त किए बगैर कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, जीवन मुक्त नहीं हो सकते। आपको बहुत सी चीजें नित्य नजर आती हैं, आप तो छोटी छोटी वस्तुओं को ही नित्य मान लेते हो कि मैंने ये घर बना दिया, अपनी तो बस निकल जाएगी आयु, इस घर में अपनी तो आयु पार हो जाएगी, सब सुख सुविधाएं हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक छोटे से जो 150 साल चलेगा उसको नित्य मान लेते हो, फिर सूर्य और चंद्रमा और प्रकृति तो बहुत वर्षों से, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है, उसको तो नित्य मान ही लोगे। फिर जो हमारे देवता हैं उनको नित्य मान लेते हैं, इनका कभी नाश नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होंगे, इनकी ताकत है, ताकत बढ़ती जाएगी और ये सदा से है।
सदा से नहीं है, उनका भी जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु भी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। कितने भी अवतार हुए, कितने भी पीर पैगंबर हुए, कितना भी कुछ भी हुआ, किस जिस जिसके नाम सुने आपने, क्या वो आज आपको दिखाई देते हैं? नहीं, मिट गए वो, सब कोई मिट जाता है, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, सारे ब्रह्मांडों का मालिक है, सब कुछ जानने वाला है, सबके ऊपर कंट्रोल करने वाला है, हम इन चीज़ों के विषय में तो खोजते हैं कि कौन देवता ने क्या किया, महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, वेदों में क्या हुआ, किस प्रकार से कौन सा ग्रंथ लिखा गया, लेकिन हम इनसे सीख नहीं लेते, निरीक्षण तो करते हैं, आत्म निरीक्षण नहीं करते। जब आत्म निरीक्षण करने लगेंगे, सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो जब हम जानने लगेंगे तो ज्ञान बाहर से इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, पुस्तकों से ढूंढना नहीं पड़ेगा, इधर उधर से दो चार बातें ले करके सुनानी नहीं पड़ेंगी, मौन हो जाओगे आप, अंदर में ज्ञान उतरने लगेगा, अनुभव बताने लगोगे, और अनुभव जब आप मुंह खोलते हो, मुंह खोलते ही जिन्होंने चढ़ाई की है, जिन्होंने प्राप्त किया उस परमात्मा को, जिन्होंने खोज कर रखी है, जो अपने को पाए हुए बैठे हैं, वो आपके मुंह खोलते ही बता देंगे आप क्या स्थिति में हो, और आप बोलोगे कुछ, सोचोगे कुछ, होगा कुछ, वो मुस्कुरा करके टाल देंगे कि आप फंसे हुए हो, बोल कुछ रहे हो कुछ रही है, क्रिया कुछ है, प्रतिक्रिया कुछ है, तो किस प्रकार से आप चढ़ाई करोगे। अरे अगर हम चढ़ाई में ही सत्य नहीं बोल पाए, अगर हम ज्ञान में ही सत्य नहीं बोल पाए, अगर हम साधना में ही सत्य नहीं बोल पाए, तो किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती। जब इस अवस्था में पहुंच जाए, जब कुंडलिनी शक्ति इस रीढ़ को पार कर जाए, तो बहुत सावधान होना पड़ता है। आचार व्यवहार विचार और संसार, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अपना आचार व्यवहार बदलना पड़ता है, एक एक चीज़ कंट्रोल में रखनी पड़ती है, शब्दों को कंट्रोल में करके बोलना पड़ता है, सीमित बोलना पड़ता है, एक एक शब्द का गूढ़ रहस्य होता है, एक शब्द कहाँ तक चला जाए किसी को अंदाजा नहीं, सारी सृष्टि को भी एक शब्द हिला सकता है और सारी सृष्टि को भी एक शब्द पैदा कर सकता है, शब्द के अंदर इतनी अक्षमता होती है, तो सब कुछ सोच करके बोलना पड़ता है, सब कुछ सोच करके करना पड़ता है, भोजन सोच करके करना पड़ता है, और जो भी कमाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी की आवश्यकता होती है, जो भी धन कमा रहे हैं, संयम की आवश्यकता होती है, घर में रह रहे हैं, भोग विलास में भी संयम की आवश्यकता होती है, परिवार में भी संयम की आवश्यकता होती है, हर वस्तु में संयम की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है, व्यवहार भी पशु पक्षियों से लेकर के मानव तक सबके साथ व्यवहार बदलना पड़ता है, प्रेम का जो झरना है वो खुलने लगता है और सब कुछ बदलना पड़ता है, जीव और निर्जीव वस्तु के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं किसी को हमारे कारण चींटी को परेशानी न हो जाए, लेकिन हम ये बहुत दूर की बातें हैं, ये तो बहुत दूर की बातें हैं, हम तो अपने परिवार तक का दुख और सुख नहीं समझ पाते हैं, हम तो अपने परिवार के शब्दों को विचारों को नहीं समझ पाते हैं, हम तो अपना तालमेल नहीं बना पाते हैं, बच्चे पिता के साथ तालमेल नहीं बनाते, पिता बच्चों के साथ तालमेल नहीं बनाते, इस प्रकार से घर गृहस्थी भी हिल गई है, परिवार भी हिल गए हैं, ये सारा कारण क्या हुआ? सारा कारण हम बाहरमुखी हो गए, ये इंद्रियां और दौड़ रही है, ध्यान के ऊपर बैठो, चाहे स्नान में चलो, चाहे कहीं भी, चाहे वाहन में हो, कहीं भी किसी स्थिति में भी हो, ये इंद्रियां बाहर की ओर खोल दी सब कुछ। अगर आप बैठे हैं, कान खुले हैं, ध्यान फोन के ऊपर है, ये क्या है, क्या ये ध्यान है?
क्या ये परमात्मा का रास्ता है, क्या इसे परमात्मा मिल जाएंगे, क्या इसे साधना का लाभ हो जाएगा, क्या इससे उस सच्चे बादशाह की प्राप्ति हो जाएगी, क्या आपके हृदय में वो परमात्मा गुरु रूप में उतर करके आदेश करने लगेगा। नहीं हो सकता। जब आपका ध्यान इतना मजबूत हो जाएगा कि सामने कितनी भी आवाज़ होती रहे, आसपास कितनी भी आवाज़ होती रहे, चारों तरफ फूले फैला दिए जाएं, कितने भी पुष्प बिखेर दिए जाएं, चाहे दुर्गंध फैला दी जाए, न नासिका को पता चले, न कानों को पता चले, आवाज़ अंदर तक न जाए, लेकिन हमारी तो साधना इस प्रकार की है। कोई छोटा बच्चा रोता है तो भाग करके, अगर बैठे भी हैं, हृदय को छू गई, टच कर गई, परमात्मा की आवाज़ नहीं छू पाई, गुरु की आवाज़ नहीं छू पाई, उन्होंने जो गीता के अंदर बोला वो नहीं छू पाया, वेदों के अंदर जो लिख दिया वो नहीं छू पाया, लेकिन ये चीज़ छू गई अंदर को। अगर वो चीज़ अंदर में घुस गई साधना के समय में, तो आप साधना नहीं कर सकते, न प्रेम कर सकते हैं, बस मोह के अंदर पड़ सकते हैं, और मोह का जो पास है वो आपको ऊपर से बांध करके यम पास की तरह से नीचे डाल देता है। यम पास केवल मात्र शरीर का नाश करता है, मोह का जो पास है वो लोक परलोक पर्यंत तक भी आपकी आत्मा को हिला देता है। एक बात याद रखना, आप जो भी शरीर से कर्म करोगे, जो भी शरीर से कर्म किए हैं, वो शरीर नहीं भोगेगा कि आप सोचो कि ये शरीर भोगेगा, नहीं, ये नष्ट हो जाएगा। दोबारा से जन्म लोगे तो फिर दोबारा दूसरा शरीर होगा, लेकिन आत्मा यही होगी जो आपके अंदर है, ये बदली नहीं हो सकती। शरीर बदलते रहेंगे वस्त्रों की तरह से, लेकिन आत्मा को भोग भोगना पड़ेगा, आत्मा को चक्कर काटना पड़ेगा, आत्मा को झेलना पड़ेगा। आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है, न सुखी हो सकती है, न दुखी हो सकती, लेकिन फिर भी सृष्टि चक्कर में इसको ही घूमना पड़ेगा, और यही घूमेगी, और आपके शरीर बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, गिरते रहेंगे, समाप्त होते रहेंगे। आयु अलग अलग होती है शरीरों की, लेकिन जब हम इस शरीर से वो कर्म करेंगे साधना का, शरीर से वो कर्म करेंगे परमात्मा की प्राप्ति का, शरीर से वो कर्म करेंगे आत्म ज्ञान के रास्ते पर चलने का, शरीर से वो प्रयत्न करेंगे कि परमात्मा को किस प्रकार से खोजा जाए, परमात्मा का रास्ता क्या है, ज्ञान का क्या रास्ता है, सत्य का क्या मार्ग है, धर्म का क्या मार्ग है, जब हम इस शरीर से खोज करेंगे, शरीर को नेक कर्मों के अंदर लगाएंगे, शरीर से मदद करेंगे, शरीर से प्रेम करेंगे, इस संसार से एक दूसरे के जितने भी दुखी लोग हैं प्रयास करेंगे, संसार के अंदर कोई जीव दुखी न रहे, किसी प्रकार से भी हमारे सहायता हो, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से मदद हो सके, जितने हमारे सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार हो सके, तो आप जो पाएंगे उसको कोई मिटा नहीं सकता। चाहे आप कितना भी इकट्ठा कर लो, यहीं रह जाएगा, कितना भी संचय कर लो, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। हमने देखा है शमशानों के अंदर, कुछ लोगों ने देखा होगा जा करके, जब चिता के ऊपर लेटा दिया जाता है, बोलते इसके वस्त्र फाड़ दो, नहीं तो ये लेट हो जाएगा जलने में, इसका शरीर से चिपक जाएंगे और दिक्कत आएगी, इसको फाड़ दो, ये सूती वस्त्र नहीं है, रेशमी वस्त्र है। जब ये तक उखाड़ दिए जाते हैं कि सोने का छोटी सी वस्तु तक भी किए उतार लो कि ये साथ में ही जलेगा, इसका क्या बनेगा? आप किसके लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, किसके लिए अपनी जिंदगी के ये अनमोल सांस, जिनके कारण से ये शरीर चल रहा है, क्यों आप इस सांस के रहस्य को नहीं समझना चाहते? जब आपको इस सांस का रहस्य मालूम हो जाएगा, जितने भी लोग आज डिप्रेशन के शिकार हैं, हर टाइम डिप्रेशन के दौरे आते रहते हैं, शरीर में रोग पैदा होते रहते हैं,
कुछ लोग साधारण लोग जो होते हैं वो समझते हैं केवल शरीर ही बीमार हो सकता है, बुखार हो सकता है, रोग हो सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। साइंस में भी मात्र शरीर के रोगों का इलाज है, लेकिन जो मन के अंदर विचार पैदा होते हैं मन रोगी होता है, उसका इलाज नहीं है। आपके अंदर एक विचार पैदा हुआ कि हॉस्पिटल तो बने हुए हैं मनोरोगों के, डॉक्टर दवाइयां तो देते हैं, फिर इलाज क्यों नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं? वो केवल मात्र दिमाग को रहने के लिए है, इलाज के लिए नहीं है। 2 घंटे सुला दिया, 4 घंटे सुला दिया, 1 दिन सुला दिया, लेकिन रिकवरी जो होती है वो दिमाग खुद करता है, मन खुद करता है। ये गड़बड़ कहाँ से हुई, क्या कारण हुआ कि जो हमारे 50 साल पहले के जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उनको ये रोग क्यों नहीं होता था, अब क्यों हुआ? उनका खाना भी अलग तरह का था, उनका रूटीन भी अलग तरह का था, उनका जीवन भी अलग तरह का था, और उनके सांसों का जो विज्ञान था वो तब तक इतना अनबैलेंस नहीं हुआ था जितना आज हो चुका है। उस समय साधना शरीर से मेहनत करते थे और जो सांस का जो बैलेंस था वो अंदर तक जाता रहता था और वो नेचुरल रूप से बना रहता था, टूटता नहीं था। लेकिन अब वो बैलेंस खराब हो चुका है और टूट चुका है। उस बैलेंस को से टूटने के कारण से ये मनोरोग से लेकर के शारीरिक रोग तक अनेकों अनेकों रोग होने लगे और शरीरों को हिला करके रख दिया। छोटे छोटे बच्चे, 12-15 साल तक के बच्चे बच्चियां मैं देखता हूँ डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। वो अपने रोते रहते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, मालूम नहीं, क्या चाहते हो मालूम नहीं, कारण क्या हुआ मालूम नहीं, किसी ने कुछ बोला है नहीं, किसी वस्तु की कमी है नहीं, कुछ चाहिए नहीं, करना क्या है कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं होता। अंदर से बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, शरीर को मिटा देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये रहस्य क्या है? अगर एक व्यक्ति के साथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर 100 में 1 के साथ हो जाए, 2 हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। आजकल जो चल रहा है वो तो 50% तक ये हालात पहुंच गए हैं। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हमारी इन चीज़ों के अंदर गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं तो ये विघ्न पैदा हुई है, कहीं ना कहीं तो परेशानी पैदा हुई है जिसके कारण से ये हालात उत्पन्न हुए। जब हम इस श्वास को पकड़ लेंगे और इसके ऊपर पकड़ मजबूत हो जाएगी, भूल जाना कोई जीव डिप्रेशन का शिकार होगा, एक पल भी नहीं लगेगा निकलते हुए। आप करके देखिए, अनुभव करके देखिए, क्योंकि ये मन जब प्राण को रोक देंगे, जो प्राण वायु मस्तिष्क के अंदर इकट्ठा हुई है, जो बिना चढ़ाई ही मस्तिष्क के अंदर चढ़ गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर अगर प्राण रोक दिया तो इतने नुकसान हो जाएंगे, शरीर के अंदर हिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं अंदर रोक दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उन्होंने न अभ्यास किया है, न उन्होंने खोज की है न साधना की है। ऐसे लोग मनमानी भाषा बोलते रहते हैं, मनमाना आचरण करते रहते हैं और जीवों के ऊपर एक एक परत दर परत उखाड़ते नहीं, चढ़ाते रहते हैं और इतने लेप चढ़ा देते हैं जीव चाह करके भी उन परतों को उखाड़ नहीं सकता। इतने बंधन लगा दिए जाते हैं जीव के ऊपर, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे, भय उत्पन्न किया जाता है, डरा करके शोषण किया जाता है, परेशानियाँ पैदा की जाती हैं, अंदर में इतना माया के प्रति लालच भर दिया जाता है और जीव को ये 2-4 वस्तुएं दिखा दी जाएं, वो भटकता रहता है, भ्रमता रहता है, पागलों की तरह से होता रहता है। तो जो भी आप श्वास है इसके ऊपर अपना ध्यान रखोगे, इसके ऊपर कंट्रोल में करोगे इसको, तो सबका सब शरीर के साथ साथ आध्यात्म के जो रास्ते हैं वो भी खुलने लगेंगे। आपके मन में विचार उठ रहा होगा, मैं श्वास के ऊपर इतना जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि आत्मा के जो सबसे नज़दीक तत्व है, जिस
जिसको आप पकड़ करके चढ़ सकते हो वो मात्र श्वास की डोरी है, ये माला की डोरी नहीं है कि माला की डोरी है और ये माला घुमाओ और काम हो गया, ये माला की वो डोरी नहीं है। नहीं, और कोई ये जो आप डाल देते हैं झूला, ये हिलाया, ये भी वो डोरी नहीं है, और कहीं बंधी हुई भी वो डोरी नहीं है। आकाश से भी कोई रस्सा नहीं गिरेगा पकड़ करके चढ़ जाओगे, वो रस्सा परमपिता ने आपके अंदर डाल दिया है और उस रस्से को आप छोड़ करके दूर बैठ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक छोटी सी सांस से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस श्वास को आप पकड़ करके अनुभव करके देखोगे तो आप खुद तक पहुंच जाओगे, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। और जब आपने अपनी खोज कर ली, संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, न पाना शेष रहेगा, न कोई इच्छाएं शेष रहेंगी। जब इतनी ऊंची स्थिति होगी, आप औरों की इच्छाएं पूरी करोगे, अपनी इच्छाएं तो छोड़िए, औरों की इच्छाएं पूरी करने लगोगे, सामने वाले के संकल्प पता चलने लगेंगे, किसी के हाथ लगाया तो वो तब इच्छा पूरी हुई हो जाएगी, किसी की तरफ देखा तब इच्छा पूरी हो जाएगी, किसी के स्पर्श किया तब इच्छा पूरी हो जाएगी, किसी को शब्द दे दिया तो इच्छा पूरी हो जाएगी, किसी के लिए कुछ बोल दिया तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, किसी को कुछ भोजन व्यवस्था या और कुछ दे दिया तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप योगी बनिए और माया और जो ये परम तत्व है इसके भेद को समझिए कि ये दोनों वस्तुएं कभी ना खत्म होने वाला ऐसा गठजोड़ है ये कि कभी खत्म नहीं होगा। बहुत से जो साधक होते हैं कहते हैं माया को मिटा दो, माया से दूर भाग जाओ, माया को छोड़ दो, लेकिन जो संत होते हैं वो जागे हुए लोग होते हैं, वो अनुभवी लोग होते हैं, वो ये रास्ता नहीं दिखाते, वो रास्ता दिखाते हैं माया से जागो और माया का मन से त्याग कर दो। भाग नहीं सकते इससे, आप भोजन से कहाँ भागोगे, किसी भी देश में चला जाओ, किसी भी प्रदेश में चले जाओ, किसी भी स्थान के ऊपर चले जाओ, भूख से कहाँ भागोगे आप लोग, दैनिक क्रियाओं से कैसे भागोगे आप लोग, इस शरीर के जो नियम है प्रकृति है उसे कैसे भागोगे आप लोग, नहीं भाग सकते। हर वस्तु की आवश्यकता होगी, बस उसके अंदर हमें फंसना नहीं है, बस अपना नहीं मानना है, हमें समझ लेना है शरीर को, हमें समझ लेना है रहस्य को, हमें समझ लेना है संसार को, हमें जान लेना है माया की चाल को और पकड़ करके देखते रहना है, बस इतना सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है ज्ञान होना, इतना सा काम है, रहस्य को जान लो, जो बचेगा माया से अलग वो परमात्मा है। जिस प्रकार से श्री रामा का तालमेल होता है, दोनों एक साथ रहते हैं, कोई सोचे कि आत्मा किस प्रकार से पाई जाए, इस शरीर के अंदर जो है वो खोज करने से मिल सकता है, उसी प्रकार से परमात्मा और माया दोनों एक साथ थी हैं और रहेंगी। अगर माया को मिटा दिया जाए तो ये संसार खत्म हो जाएगा, अगर परमात्मा को हटा दिया जाए तो फिर संसार खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ, शरीर आत्मा के बिना और आत्मा शरीर के बिना दोनों एक दूसरे के साथी हैं, अगर एक को भी हटा दिया जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये बहुत समझने वाली बातें हैं, सीखने वाली बातें हैं, अनुभव करने वाली बातें हैं, ये गहरा ज्ञान है। जब आप इसमें उतर करके इसको पीने का प्रयास करोगे, इसमें नहाने का प्रयास करोगे, इसमें डुबकी लगाओगे तो आप इसी ज्ञान के रहस्य को समझोगे। और जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब आपके पास ही सब प्रश्नों के जवाब होंगे, जब आपको ही प्राप्ति होगी, आपकी ही योग दृष्टि खुल जाएगी,
दिव्य चक्षु खुल जाएगा, स्थिति ऊपर उठ जाएगी, साधना में लग जाओगे तो कौन क्या बदल जाएगा सब कुछ। कुछ लोग ही पूरी धरा को बदल देते हैं और पूरी धरा का सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। एनर्जी इतनी हो जाती है, मानव के अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है, इतनी ताकत भरी हुई है, बस उसका उपयोग करना आना चाहिए। एक संकल्प के अंदर हिला देता सब कुछ, इंद्र तक डोलने लगते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ भी लेना पुस्तकों के अंदर, हिल जाता है सब कुछ। क्यों हिलता है? वो जाती है, टकराती है वो ताकत कि रास्ता दो मुझे, आगे जाना है। जब कोई जीव आगे जाता है, कोई भी देवता ये नहीं चाहता ये जीवन मुक्त हो जाए और हम यहीं बैठे रहे और ये आगे निकल जाए, ये परमात्मा की प्राप्ति कर ले और हम यहीं छोटे मोटे चमत्कार और सिद्धियों का प्रयोग करके लगे रहे। इस कारण से वो रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो नाम की ताकत को देखते हैं, शब्द को पहचानते हैं, सब को पता है किसका क्या शब्द है, किसके शब्द में कितनी ताकत है, किसके शब्द में कितनी अक्षमता है, वो रास्ता छोड़ देते हैं, डोलने लगता है सब कुछ, हिलने लगता है। कोई भी देवी देवता शब्द को रोक नहीं सकते, रास्ते को रोक नहीं सकते, लेकिन जब आप चढ़ोगे तभी तो उस स्थिति को पाओगे। जिसने बहुत से जीव ऐसे हैं जो चढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हें न संसार का पता है, न इस प्रकार के बात और वाद विवाद में फंसते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बोलते रहते हैं, जानते कुछ नहीं है। कुछ लोग दिखावा करते रहते हैं, साधना कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक साधना नहीं होगी, नाड़ी शोधन नहीं होगा, श्वास का शोधन नहीं होगा, प्राणों को साधा नहीं जाएगा, इंद्रियों को साधा नहीं जाएगा, मन को साधा नहीं जाएगा। कुछ लोग जो साधना की अच्छी श्रेणी में हैं, उन्होंने मन को रोक लिया, विचार शून्य हो गए और वो समझते हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया, यही परमात्मा है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि मन विचार और विकार है तो मन ही। अगर आपको उस मन विचार और निर्विचार है तो मन ही, अगर आपको उस स्थिति के ऊपर जाना है जिस स्थिति के अंदर पूर्ण विश्राम है, जिसको परम तत्व बोलते हैं, जिसका कोई नाम ही नहीं, हमारे संतों ने जिनके नाम अपने हिसाब से अपने अनुसार रख दिए, जिस सत्ता का कोई नाम नहीं है, जिस ताकत का कोई नाम नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी नाम सुने आज तक, जितने भी सुनेंगे, सबके सब नाम मिट जाएंगे, सबके सब नाम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो परम सत्ता जिसका कोई नाम ही नहीं है और संसार वालों ने उसका नाम रख दिया, तो वो परम सत्ता जो है वो नाम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, नया नाम दे देंगे, फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर नया नाम दे देंगे, अलग अलग नामों से अलग अलग युगों में अलग अलग समय के ऊपर ये चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं। लेकिन वो सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकती। आपको वहाँ नहीं रुकना है जहाँ केवल मन के शब्द रुके हैं, केवल मन का विश्राम है। आपको आत्मा के विश्राम के अंदर रुकना है, आपको अनहद के विश्राम के अंदर भी नहीं रुकना है। आपको आत्मा जो है इसके अंदर रुकना है, स्थित होना है। जब आप आत्मा के अंदर स्थित हो जाओगे, बदल जाएगा सब कुछ, एकदम से चेंज हो जाएगा, सब इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, दूसरों की छोड़िए अपनी इच्छा नहीं रहेगी। आप समझने लगेंगे कि परमात्मा अपने आप कर देगा सब कुछ, मांगना नहीं पड़ता उससे, अपने आप दे देगा सब कुछ, बस उसके रास्ते के ऊपर चलना है, उस पे विश्वास करना है, उसका ध्यान करना है और उस परम पिता के जिसके न चरण है, न शीश है, न हाथ है, न पैर है, वहाँ जा करके हमें
समर्पण कर देना है। और जब वहाँ पहुँच गए तो बस समझो उसी के हो गए, और जो उसका हो गया वापस नहीं आता। आत्मा कोई टुकड़ा नहीं है, काट करके वापस भेज दिया। आत्मा वो परम सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि ये परमात्मा ने कोई टुकड़ा काट दिया और ये आत्माएं बिखर गई, आत्माएं पैदा हो गई। वो लोग अनजान हैं उन रहस्यों से जो परमात्मा के उस अनंत के भेद हैं, जो अपने भक्तों को, अपने जीवों को वो समझाते हैं। जितने भी गुरु हैं कोई न कोई उद्देश्य लेकर के आते हैं। परमात्मा उद्देश्य दे करके भेजता है, लेकिन वो परमात्मा सबका गुरु है, सदा से गुरु है, था और रहेगा। कोई ये आपको बोले कि वो गुरु नहीं है, वो ऐसे नहीं मिलता, वैसे नहीं मिलता, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इधर उधर भटका के, इधर उधर घुमा करके आपको बेवकूफ़ बना करके बैठा लिया जाएगा। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर सबका गुरु है। जब आप उसके समर्पण हो करके भक्ति में भाव से भर करके, प्रेम में भर करके उसको पुकारोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको उससे मिलने के लिए। कोई वो ये नहीं बोलेगा तुम्हारा गुरु कौन है, नहीं पूछेगा वो किसी जीव से, क्योंकि उसको पता है कि वो स्वयं ही गुरु है। दूसरा इस ब्रह्मांड के अंदर न कोई गुरु था, ना है, ना होगा। ये जितने गुरु हुए ये कुछ समय के लिए भेजे गए हैं, कुछ जीवों के लिए भेजे गए हैं, सीमित ताकतें दे करके भेजे गए हैं, कुछ जीवों के कल्याण के लिए भेजे गए हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए, सदा सदा के कल्याण के लिए वो परमपिता स्वयं विराजमान है। और वो स्वयं ही कल्याण करता है, स्वयं ही गुरु का रूप धारण करके आता है, स्वयं ही हृदय में उत्पन्न होता है आपके, स्वयं ही बैठ करके आदेश करता है। जो आप प्रसन्न करोगे अंदर स्वयं उत्तर आएगा। जब आपकी साधना इतनी श्रेष्ठ होगी, कोई भी प्रसन्न करो, किसी भी प्रकार का प्रसन्न करो, कितना भी गहरा प्रसन्न करो, उत्तर वो स्वयं आकर के देगा। जब आपकी उस परमपिता से बातें होने लगेंगी, जब आप उस परमपिता के पास पहुंच जाओगे, या परमपिता आपके पास पहुंच जाएगा, परम गुरु आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन वो ऐसे नहीं पहुंचेगा कि यहाँ आ गए और चिंता घर की, यहाँ आ गए और देर हो रही है, यहाँ आ गए और फंसे हुए संसार में बैठे हैं, मन को रोकने के लिए मन ही भगाए हुए हैं, बैठे हैं सुनने के लिए और सुन ही नहीं रहे हैं, बैठे हैं नाम के लिए और नाम का जप ही न हो, आए हैं उस परमात्मा की कृपा के लिए और निंदा शुरू। जब मैं देख सकता हूँ इन वस्तुओं को, मुझे पता चल सकता है सबकी सब वस्तुओं का, सबके सब रहस्यों का, आप सब लोगों के विचारों का, आप सब के कर्मों का, आप सब के पिछले जन्मों का, आप सब के दुख सुख का, आप सब ने जो जो कर्म किए हैं उनका, तो जब मुझे पता चल सकता है तो वहाँ तो लिखाई ही दूसरे प्रकार की है, उनसे कहाँ छुपाओगे। जब वो हिसाब मांगेगा, जब वो आपकी डायरी बनाएगा, जब आपके कर्मों को मापेगा, कहाँ छुपोगे आप लोग। तो इसलिए पहले ही तैयारी कर लो, एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। किसी 15-20 वर्ष के बच्चे को बोलो कि जाना है, वो नहीं मानेगा। लेकिन कोई जो समझदार है, जिन्होंने इस संसार को देखा है, जिसने सामने चिताएं जलती देखी हैं, सामने लोग मरते देखे हैं, वो मान लेगा हाँ जाना तो है, लेकिन अभी नहीं जाना। वो ये नहीं जानता कि सांसों का कोई भरोसा नहीं, अगला सांस आए न आए, एक पल में रुक जाए और ये शरीर गिर जाए, फिर वजन कैसे होगा। तो आप सब सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए, इन रहस्यों को समझने की कोशिश कीजिए और मन के ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए, नाम की ताकत का अनुभव कीजिए,
हमारा आपका जो अगला प्रोग्राम है वो 4 का होगा, आपको पता ही है, क्योंकि मेरे से पहले तो पूर्णिमा की खोज आप लोग ही कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।